ट्रेडिशनल हेड्स हैं उनको मिलकर उनसे थोड़ा सा बात करना था। पिछले 2 महीने में इलेक्शन बहुत हुआ है तो टाइम नहीं मिला है। मैं सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुप में नहीं लेकिन एज अ मुबाकरा मेरा भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है अपने समाज के से मिलकर उनसे उनका अंदर का बात को मुझे मेरे अंदर भी कुछ बात भी उनको बोलना है और उनका भी दिल के अंदर कुछ रह सकता है जो वो मुझे बोलना चाहते हैं। इसी के लिए मुझे लगा कि सब लोग इलेक्शन के पहले मिलते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नहीं मिलते। मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन के पहले ही मिलना चाहिए कि हमारे समाजवादी के दिल में भी बहुत कष्ट है, दुख है और उनको भी कुछ सोल्यूशंस चाहते हैं। मैं उनसे बात करके एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिन में हम लोग अपने थानसा को कैसे एक रखेंगे, कम्युनिटी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने समाजवादी को ज़्यादा इज्जत देंगे, ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन को इज्जत देंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सोसाइटी जहाँ में इज्जत सिर्फ पॉलिटिशियन को मिलता है और समाजपति को नहीं मिलता है वो सोसाइटी ज़्यादा दिन आगे नहीं जा रहता है। समाजपति हमारा तोहफा को देखता है, पॉलिटिशियन एक सिस्टम को देखता है जिसमें पॉलिटिशियन आता है जाता है। समाजपति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए मैं इनसे मिलकर इनका व्यू लेना चाहता हूँ कि हमारा एंड रिजल्ट कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन हो, और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा जब तक गाँव में जो हमारे समाजपति हैं उनका सोल्यूशन नहीं हो, हमारी कम्युनिटी का सोल्यूशन। सर और एक चीज़ है कि अभी इलेक्शन के बाद काउंटिंग का टाइम आ गया और अक्रॉस द स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सिंस यू आर आल्सो मीटिंग दिस लीडर्स थ्रू देम डू यू स्प्रेड दैट मैसेज? हमारे समाजपति ने आज तक कभी भी नहीं बोला कि वायलेंस करो। वायलेंस करने वाले तो पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। समाजपति का कभी भी रोल नहीं रहा कहीं में भी वायलेंस के लिए। कभी भी मैं आपके टेलीविजन के थ्रू आपके चैनल्स के थ्रू आई वुड लाइक टू से दैट 2 तारीख को शांति होना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी हो त्रिपुरा में भाई भाई को नहीं मारना चाहिए और परिवार या कोई संपत्ति किसी का डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमारा छवि अच्छा रहना चाहिए और ये इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब हमें हिंदुस्तानी बनकर इंडियंस बनकर त्रिपुरावासी बनकर आगे चलना है। झगड़ा करने से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, सिर्फ 2-3 गुंडे लोगों का फ़ायदा होगा और वैसे गुंडे लोगों को हमें चांस भी नहीं देना। Thanks.